स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस अकाउंट नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग नगीना मूवी का मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। तो दोस्तों इस गाने का इंट्रो का जो म्यूजिक पार्ट है नागिन टोन है उसे ऑलरेडी मैंने पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उसे अभी तक अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आप गाने को सीखिए तो आपको बजाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इस गाने को अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले इस गाने का हम पहला पार्ट देखेंगे किस तरीके से हमें बजाना है। सोलो में करके इसे समझते हैं किस तरीके से इसको आपको बजाना है। तो सबसे पहले हमें किस तरीके से प्ले करना है, डी शार्प नोट से स्टार्टिंग करेंगे। एक बार इसे और हम समझते हैं किस तरीके से बजाना है। सबसे पहले फिर और इसके बाद इसके बाद बीन वाली फिर से वही म्यूजिक प्ले होगी। अब इसके बाद इसका अगला पैटर्न हमें किस तरीके से प्ले करना है। इस वाले पैटर्न को हमें किस तरीके से बजाना है अपने कीबोर्ड के ऊपर इसे हम सीखते हैं। कैसे बजाना है, फिर इसके बाद इसके बाद फिर से वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा शुरू वाला। इसके बाद वही जो इंट्रो में इसका बीन वाला म्यूजिक है वही बीन का म्यूजिक बीच में प्ले होगा, फिर इसके बाद इसका अंतर आएगा। तो किस तरीके से म्यूजिक को बजाना है, अगर आपको ये बीन का टोन पूरा सीखना है तो आप पिछले वाली वीडियो को प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसमें म्यूजिक पार्ट भी सिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अंतर की तरफ, अंतर किस तरीके से हमें बजाना है। पहले इतना हम सीखेंगे, फिर इसके बाद आगे का जो लाइनें हैं उनको हम सीखेंगे किस तरीके से इसको बजाना है। आप इसे ध्यान से समझिए, आज का बदला मैं सह लूंगी, छेड़ ना मुझको वरना मैं डस लूंगी, कुछ इस प्रकार से गाने का लिरिक्स है। इसे कि बजाना किस तरीके से इसको समझते हैं।
और एक बात मैं आपको बता दूं जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अंतरिम इसका हल्का सा टच लेना है किस तरीके से, आप अगर चाहें तो इस वाले बटन को इसकी भी कर सकते हैं, आप दोनों तरीके से बजा सकते हैं। लास्ट में क्या करना है, छेड़े ना मुझको मैं डस लूंगी। इसके बाद इस वाले पैटर्न को हम समझते हैं किस तरीके से बजाना है। एक बार और से हम समझते हैं कैसे इस लाइन को हमें बजाना है। इसके बाद सेम वही बटन फिर से, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। अब इसके बाद दोस्तों इसका जो अगला अंतर है वो प्ले होगा और उसके बीच में एक म्यूजिक भी है, तो उस म्यूजिक को हम इसी वीडियो में सीख लेंगे। वो बीच का म्यूजिक है, किस तरीके से उसको बजाना है उस म्यूजिक को हम सीखते हैं और फिर दूसरा अंतर सीखेंगे। दूसरा अंतर बहुत ही अच्छा और आसान है, वो सेम म्यूजिक पार्ट के तरीके से ही प्ले होता चला जाएगा। म्यूजिक पार्ट किस तरीके से है, म्यूजिक पार्ट को आप समझते हैं। यही हमारा म्यूजिक पार्ट है, किस तरीके से इसको हम बजाएंगे ध्यान से समझिए इसे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप नागिन धुन बजाएं या कोई और भी धुन बजाएं उसमें आप कर सुरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना सीखें। अगर कर सुरों का इस्तेमाल आप करेंगे तो गाना जो है थोड़ा निखर के अच्छे तरीके से निकलेगा और सुनने वाले को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो किस तरीके से बजाना है म्यूजिक पार्ट को, अभी ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, अब अगर इसमें हम कर सुर को ऐड करेंगे तो किस तरीके से इसे बजाना है। अब इसके बाद जो इसका अगला पैटर्न है किस तरीके से चलेगा, इस पैटर्न को सीखते हैं। अब इसके बाद इसी पैटर्न के ऊपर हमारा अंतर भी है, अंतर कैसे बजाएंगे। फिर इसके बाद इस पैटर्न को सीखते हैं। अब दोनों पैटर्न को मिलाकर सीखते हैं किस तरीके से बजाना है। अब इसके बाद फिर से वही पिछले वाला पैटर्न जो हमने पीछे सीखा हुआ है,
तो दोस्तों गाना अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये गाना समझ में आया होगा। तो अब इसके जो बीच का म्यूजिक पार्ट है और सेकंड वाला जो अंतरा है, दोनों को मिलाकर हम रिपीट करेंगे ताकि आपको म्यूजिक और अंतरा दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ जाए किस तरीके से इसे बजाना है। म्यूजिक पार्ट से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी गाने को अपने कीबोर्ड के ऊपर पूरा सीखने वाले थे और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से गाना अपने कीबोर्ड के ऊपर बजाना समझ में आया होगा। और वीडियो के माध्यम से आपको कोई मदद मिली हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपने कीबोर्ड के ऊपर अपना रियाज जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, बजाते रहें। जय हिंद, जय भारत।